कि आज आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर क्लास 11 से होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज है 29 अगस्त और आपका पेपर इकोनॉमिक्स का हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का प्रॉपर सही से उत्तर बताने का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग देख सकते हो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप लोगों को जो है आंसर की मिला लेना है, अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों को लिख करके जाना है और एग्जाम में छाप लेना है। देखिए विषय कोड आपका जो है यहाँ पर 326 है, टाइम 1.5 घंटा का मिल रहा है, 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसमें 25 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। पहला है कि किसी देश की जीडीपी की अर्थ जीडीपी की जो है ना अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं है, तो ये विदेश क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। दो नंबर की सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को चलाने के का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है ना, तो इसका वी नंबर नोट कर लेना, जन कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना चरों को प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिए एक्स वाई दोनों के द्वारा किया जाता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से सभी हो सकता है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चार नंबर की चरों के मूल्यों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसमें से क्या कहते हैं ना, तो देखो पांच है ना, पांच का ऑप्शन ये नोट कर लेना, ये हो जाएगा आपका चार नंबर, एक सेकंड, चार का सी नंबर हो जाएगा, या आंकड़ा हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो पांच नंबर का देख लीजिएगा, सर्वेक्षण पत्रिका निम्नलिखित में से किस कौन प्रकाशित करता है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जो है ना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छह, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो ना ग्राम एवं लघु पैमाने का उद्योग है, तो आप छह का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट करना है, करवे समिति। आगे देखिए सात नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नोट कर लेना है, ये दिख नहीं रहा है बट देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, ये दिख नहीं रहा है, ये आठ नंबर है ना, आठ का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, नौ नंबर है इसका भी डी नंबर होगा, और दस दस का भी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। 11 की ओर बढ़ते हैं, 11 है कि वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है वह क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा अनुसंधानकर्ता। 12 नंबर क्वेश्चन के आंकड़ा जो ना आंकड़ा संग्रह करने की कितनी आधारभूत विधियां हैं, तो ये टोटल 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपको ये नंबर नोट कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का लक्ष्य नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि संसाधन की पाबंदी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 15 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ निम्नलिखित में से किसे कम करना है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आयात और निर्यात, आयात निर्यात ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग पिछले वर्षों में क्या रही है, तो लगभग ये बढ़ी है, ऑप्शन सी होगा। और 17 है कि भारत में लघु पैमाने के उद्योगों की निर्धारित अधिकतम निवेश सीमा कितनी होती है, तो लगभग 5 करोड़ तक की हो जाती है। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा जो है 18 नंबर ना, तो इसका राइट आंसर आपको डी नंबर नोट करना है, और 19 नंबर है, 19 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर है, तो 20 का ऑप्शन सी नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन सही से बच्चा भेजा नहीं इसलिए जो है दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। चलो 21 नंबर का ऑप्शन भी नोट कर लेना, अर्थव्यवस्था, और 23 नंबर का राइट आंसर डी नोट कर लेना, इनमें से सभी, और सॉरी 22 है ना, 22 का सी होगा प्यार बच्चों, ठीक है ना, 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है आप लोगों से प्रश्नावली का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, तो प्रश्नावली का प्रयोग जो किया जाता है ये याद रखना आपको जो है एक तो आलेखकरण में सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन ए बी दोनों का डी नंबर नोट करना है, ठीक है। 24 नंबर की प्रकाशित आंकड़े का उदाहरण क्या है, तो 24 का ऑप्शन आपको नोट करना है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़े। 25 का ऑप्शन आपको जो है ए नंबर नोट कर लेना है। 26 की बात करें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1951 देख लीजिएगा। 27 नंबर है, 27 का राइट आंसर जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पे जोर ज्यादा दिया जाता है, तो द्वितीयक जो है ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, तो इंडस्ट्री, ऑप्शन यहाँ पर सी नोट करना है, ठीक है। अब 28 नंबर है, 28 का आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप 29 नंबर का भी देख सकते हो, 29 का भी होगा, और 30 की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर के लिए होगा। पहला कि पंचवर्षीय योजना के 2 लक्ष्यों की बताएं, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन्हीं 2 आर्थिक प्रणालियों के नाम लिखे, और 3 नंबर की आर्थिक जो ना सहायकी से क्या समझते हैं, और 4 उनके आंकड़ा के संग्रह के उद्देश्य जो है ना 2 उद्देश्यों को लिखे। 5 है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े का एक एक उदाहरण दीजिए, और 6 नंबर की बाणी जो ना विपणित जो ना अर्ध अधिविशेष क्या, तो मैं लगातार 1 से 5 नंबर तक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, तो जरा क्या ही दिखाऊं, ठीक है। 11 से 15 तक क्वेश्चन 3 प्रश्न बनना है, 15 नंबर मिलती होगा, ठीक है। तो पहला कि भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, और 12 नंबर की द्वितीयक आंकड़े के संकलन विधियां पर चर्चा करें। 13 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 की प्रमुख विशेषताओं को लिखें, तो चलिए इसका उत्तर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जल्दी से आप लोग गूगल को ओपन कर लो, ठीक है, गूगल को जल्दी से ओपन करिए, तो आप लोग गूगल को
पैन कर लिया, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करो। और अभी आप लोग इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, इसी चैनल का नाम गूगल में आकर के आप लोगों को जो है मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, जैसे ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे तो क्लास 11th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट में भी आपको क्लास 11th फर्स्ट टर्म में एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आते ही पेज को रिफ्रेश करना, तभी आप लोगों का लिंक काम करेगा, नहीं तो लिंक ही नहीं काम करेगा। ठीक है, रिफ्रेश नीचे को खींच के कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है हिस्ट्री होम साइंस म्यूजिक वगैरह का पेपर आएगा। ठीक है, तो नीचे आना है आप लोगों को। नीचे आओगे तो आपके सामने देख लीजिएगा इकोनॉमी का पेपर मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ भी देखो अभी आंसर क्या आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, रिफ्रेश यहाँ भी पेज को कर लेना है। पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आंसर की आपको दिख जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी देखो ये दिख गया, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में देख लो पहला क्वेश्चन का उत्तर है, दूसरा का, तीसरा, मतलब सारे क्वेश्चन का है। आकर के आप यहाँ से अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन का उत्तर जो है लिख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।